यही है सामने हुए। अच्छा ऊपर चढ़ गई क्या? एक मेरे को बड़ी थैली दे दो कपड़े की, कट्टा तो रहने दो। बोलो क्या कह रहे थे? ये कह रहे हैं कार मिले नहीं है, पकड़ ले। हाँ पकड़ने ऊपर फेंके रस्सी। अच्छा वैसे वो रस्सी पकड़ने के ऊपर से चढ़ जा। हाँ आप देखे चढ़ता था? नहीं नहीं आपने देखा वो फेंक रहे हैं फिर रस्सी चढ़ बोलते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है रस्सी से ही। ऐसा होता था अभी दीवार पे चिपकी हुई, मैं इसको खींचूंगा तो नीचे थोड़ी आती। वो वाली बात है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो पहले की बात है, चोर लेके ऊपर फेंक रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम कांकोली के शांति नगर में आए हैं। भाई साहब राजसमंद के सुप्रसिद्ध हमारे हास्य कवि सुनील जी व्यास के बड़े भाई हैं। सुनील जी व्यास एक हमारे राष्ट्रपति ऐसे शान हैं जिन्होंने पूरे देश भर में अपना अपने शायरी के माध्यम से लोग अलग ही बच्चा ले रहा है। तो आज उनके बड़े भाई के यहाँ पे हम मोनिटर लिजार्ड का रेस्क्यू करना है, ये बताएं कि कैसे क्या आया था। एक्चुअल में क्या है, हम सो रहे थे बाहर से, देखा एक जिसे अपने भाषा में बोलते हैं घोरा, घोरा देखा हमने, देखा तो घर के अंदर आया, इधर उधर देखा कहीं, फिर लास्ट में हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उन्होंने कहा रहा वो सामने वो दिख रहा, तो वो मैंने तो पहली बार इतना बड़ा जिसको आप मॉनिटर ले जा रहे कुछ कहते हैं घोरा समझ के फिर मैंने नंबर लिए कि भाई स्नैक के टेस्ट वगैरह कौन मिलेंगे। तो आपके श्री नवीन जी गहलोत साहब का नंबर मिले तो आपने, आपको फ़ोन किया तो आपने इमीडिएट रेस्पॉन्स देके मुझे कहा कि मैं यहाँ पे हूँ और आप इमीडिएट आ रहा हूँ मैं, और विद इन 5 मिनट कॉल करने के बाद आप आ गए और अब आगे की कार्रवाई आप कर रहे हैं। अरे मिया भाग जाओ, ये देख सकते हैं इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देख सकते हैं आपने, अभी हमने मॉनिटर लिजार्ड का रेस्क्यू किया था, और ये जिस प्रकार से आंटी जी आप ही बता देना ये इसको क्या करते हैं वो बाबा लोग इसमें किसी प्रकार का कोई जेल नहीं होता, ये क्या एक सड़ा गला मांस खाने वाला जीव है, शरीर के मुंह के अंदर एक बैक्टीरिया होता है वो जहाँ पे बाइट करता है वहाँ पे सड़न पैदा करता है। इसका इलाज संभवतः हॉस्पिटल में जाके इसके इंजेक्शन लगाने के बाद
इलाज संभव है, किसी प्रकार का कोई नुकसानदायक नहीं, लेकिन आपको एक बार इसके काटने के बाद हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो शरीर के लिए खराब है, बाकी इंसान इसके बैक्टीरिया से इंसान की मृत्यु नहीं होती। आप ध्यान रखिए, एक गंदी चीज है, किसी प्रकार का इसमें कोई जेन्यून कोई नुकसान नहीं है। सबसे ताजुब की बात तो ये कि मैंने इनको पकड़ने के लिए एक अपने कट्टा होता है गेहूँ का वो दिया था, लेकिन भैया ने कहा नहीं नहीं कट्टा मत, तो हो सकता है उसमें कट्टे मंत्र से मर जाए, इसको पकड़ने के बाद में भी इसका जिंदा रहने की इतनी चिंता इन्होंने रखी कि नहीं इसके लिए कोई हल्की सी तेली दो जिसमें इसको श्वास रखते रहे मेरा नहीं, और इसको सुरक्षित स्थान पर वन में छोड़ूंगा मैं, जिससे इसकी इसके जीवन पर कोई संकट नहीं हो, इतना इन भैया ने मेरे को बताया। हमारे घर से आया, हमारे घर से इधर से आया बड़ा, हमारे घर से फिर हमने मारा भी नहीं इसको, देखो गुणी जी कोई भी हो आप उसे मारे नहीं, ये रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए आपसे आप अगर इसको बचाते हो ना हमें फोन करते हो तो ये पुण्य का काम है, जानवर की जान बचाते। और जैसे ही फोन किया आपने रेस्पॉन्स दिया इमीडिएट, आप 5 मिनट में आ गए यहाँ पे, और उसके बाद में सुरक्षित रूप से इसको पकड़ा। वाला एक छिपकली की प्रजाति है, इसको मॉनिटर लिजार्ड कहते हैं, हमारे मेवाड़ में इसको घोई बोला जाता है। इसके मुंह से ये पॉइजन आ रहा है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। सर पकड़ रखा है, आजा पकड़ रखा है, टाइम देख रहे हैं उसको। अभी गर्मी काफी बढ़ चुकी है, हमारे राजसमंद में अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है, हो सकता है इस जीव ने काफी टाइम से प्यासा हो, तो हम इसके ऊपर पानी डालेंगे, इससे हमारे लिए कोई गलत उद्देश्य नहीं, इसके ऊपर पानी डालना, हो सकता है थोड़ा बहुत पानी पी लें इसके लिए भी सही रहेगा, इसलिए हम इसको। लेकिन ये गलत फहमी दूर करी ना इन्होंने कि भाई ये जहरीला नहीं है, और इन्होंने पकड़ रखा इतनी देर से, देखो ना बाकी लोग मार देते हैं इनको। ये एक छिपकली की प्रजाति है, और भारत में आप देख सकते हैं, गूगल पे भी देखोगे आप, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई जहरीला नहीं होता है, ये छिपकली की प्रजाति। इसके अंदर सिर्फ एक बैक्टीरिया होता है, वो काफ़ी घातक होते हैं, यहाँ पे फाइट करते हैं, वहाँ पे सदन पे जाते हैं, इसको अपना हॉस्पिटल जाके इसका इलाज करवाना होता है, बट इंसान इसके काटने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, और उसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है, उसके शरीर में डर बैठ जाता है किसी को काट लिया फिर तो उससे मरना ही है, बाकी इसके जहर से ऐसा नहीं है कि इंसान मर जाए। यहाँ से हमने वीडियो बनाया, वहाँ पर जंगल में छोड़ते हुए तब का वीडियो बनाया, पानी बराबर यार बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके लगी है क्या थोड़ी? नहीं नहीं चाहिए, रेड रेड कुछ खा जिसे बिल्कुल मतलब कि वही नेट खा ले। हां हां नहीं नहीं लगे दूर चली लो मेरे को जाने। देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको पकड़ी की थैली में लिया है ताकि आसानी से इसको ऑक्सीजन मिल सके, अब इसको हम जंगल में छोड़ने जा रहे हैं, किस प्रकार से जंगल में भागती है, हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखिए एक वन्य जीव को हमने बचाया है।
हेलो फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने अभी देखा, हमने मॉनिटर रिजार्ट कर रेस्क्यू किया था। अब मैं इसको सुरक्षित जंगल में छोड़ने आया हूँ। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा वातावरण है इसके लिए। और अभी शायद तक हो सकता है इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, जो आपको कैमरे में नज़र नहीं आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दिखे। ये